पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए वो ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं। पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 सालों से वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है? पूरे देश के पास 3 हफ्तों के इम्पोर्ट के पैसे बचे हुए हैं, उसके बाद द एंड। आखिर पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हुई कैसे और इसे हमें क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान हैज नो मनी फॉर इंपोर्ट्स। पाकिस्तान'स डिसेंट इनटू टोटल केओस। थिंग्स आर बैड व्हेन पीपल स्टार्ट फाइटिंग फॉर फूड। फूड डिपार्टमेंट हैड रन आउट ऑफ इट्स व्हीट स्टॉक। द परफेक्ट स्टॉर्म वाज हवरिंग ओवर पाकिस्तान। दोस्तों यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप पूरा देखना। और आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इससे होता तो कुछ नहीं है लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों पाकिस्तान का खाना खत्म हो रहा है और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। चैप्टर 1, व्हाई इज पाकिस्तान बेगिंग फॉर हेल्प। पॉइंट बाय पॉइंट मुद्दे को समझते हैं। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। आपने कुछ दिनों पहले ये वीडियो तो जरूर देखा होगा जहां पर पाकिस्तान के मिनिस्टर चाय कम पीने के लिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान चाय इंपोर्ट करता है और आज उनके पास चाय के इंपोर्ट चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। पाकिस्तान में खाने पीने वाले चीजों के दाम दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो यूजली 4-6% होता है, अब कई जगहों पर 30% तक पहुंच चुका है। यानी कि जो चीजें पहले 100 रुपए में मिलती थी वही सेम चीजें अब 130 रुपए से भी ज्यादा में मिलेगी। ओनियन जैसी कॉमन चीजें आज 5 गुनी महंगी है। शॉपिंग मॉल और मार्केट में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि 8:30 बजे से पहले सारी बत्तियां बुझा देनी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बद से बदतर होती जा रही है और पाकिस्तान पाई पाई जोड़कर पैसा बचा रहा है ताकि थोड़े से पैसे आए और उसका इस्तेमाल लोगों के लिए हो सके। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से आज मदद मांग रहे हैं, लेकिन ये यहां तक पहुंचे कैसे, आइए शुरुआत से समझते हैं। चैप्टर 2, रीजन फॉर इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बैक टू बैक डिजास्टर्स का सामना कर रहा है। पॉलिटिकल डिजास्टर, इकोनॉमिक डिजास्टर, क्लाइमेट डिजास्टर। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री फुल गेम ऑफ थ्रोन्स है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए इसके हाइलाइट्स को समझते हैं। पाकिस्तान को आजादी हमारे साथ यानी 1947 में मिली थी, लेकिन उनका पहला डेमोक्रेटिकल एक्शन 1970 में हुआ, मतलब आजादी के 23 साल बाद। 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 27 प्राइम मिनिस्टर देखे और इनमें से कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म मतलब की 5 ईयर कम्प्लीट नहीं किए हैं। 18 बार इनके प्राइम मिनिस्टर अपने पोस्ट से निकाले गए करप्शन की वजह से या फिर मिलिट्री कूप की वजह से। अभी रिसेंटली इमरान खान को अपनी पोस्ट को टाटा कहना पड़ा। इमरान खान एक वर्ल्ड कप जीतने वाले एक नेशनल हीरो थे जो एक नए पाकिस्तान बनाने की उम्मीद से आए थे, लेकिन अल्टीमेटली हुआ ये कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और उनकी सरकार गिरा दी। अब आते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर पे। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकोनॉमिक साल दर साल नीचे गिरती जा रही है और उनका कर्जा बढ़ते चला जा रहा है। वर्ल्ड बैंक कहती है कि इनकी इकोनॉमिक 2% से बढ़ेगी और इनकी इन्फ्लेशन 3% से। और अब इनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $30 बिलियन है और वहीं पे इंपोर्ट $90 बिलियन है, मतलब कि हर साल पाकिस्तान $30 बिलियन कमाता है और $90 बिलियन एक्सपेंड करता है। इसी बड़े गैप की वजह से फॉरेस्ट रिजर्व तेजी से घटते जा रहा है। पाकिस्तान का GDP है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का और इन सारे लोन पर बढ़ता है इंटरेस्ट। सरकार जानती है कि खाने के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई स्कीम निकाल कर लोगों को सस्ता राशन देने के लिए भी तो पैसे लगते हैं, ये वो कहां से लाएंगे। और बार बार बदलती सरकार को लेकर पाकिस्तान की ग्लोबली इमेज खराब हो चुकी है। थर्ड पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर जो काफी क्रिटिकल है। पिछले साल पाकिस्तान में कई एरिया में बाढ़ आ गई और नुकसान $30 बिलियन का हुआ है। ये ऑलरेडी एक स्ट्रगलिंग देश के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। 3 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली प्रॉब्लम की वजह से पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, प्लस पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है और पाकिस्तान 4 अलग अलग हिस्सों में बट सकता है और इस कारण पाकिस्तान के अपने जनता पर से भी कंट्रोल छूट सकता है। चैप्टर 3, इंपैक्ट ऑन इंडिया। अब POK में प्रोटेस्ट हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड के लोग भारत में आना चाहते हैं। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के लिए एक साइन है और समझदार को इशारा काफी होता है। किसी भी देश के पड़ोस में एक अनस्टेबल देश का होना अच्छी बात नहीं होती और अब श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों इकोनॉमिक क्राइसिस से एक साथ गुजर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। और इस सिचुएशन में पाकिस्तान को सही टाइम पर IMF से मदद नहीं मिली तो चाइना हीरो की तरह आएगा और मदद का गाजर दिखाएगा और बदले में ऐसे फेवर्स मांगेगा जिससे अल्टीमेटली भारत का नुकसान हो सकता है। पाकिस्तान एक बहुत बड़े क्रिटिकल सिचुएशन में है और पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।